वो अंकल बहुत अच्छे है ना, इसलिए परमिशन दिए हमको। वो हम लोग देखिए थोड़ा सुबह मॉर्निंग आ गए ना, थोड़ा फिट नहीं था, अभी देखो कितना फिट है। अब दोनों आए हैं ना भुवनेश्वर से, कैसा लगा मंदिर? मस्त। अच्छा अच्छा, लिंक ढूंढे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ बालेश्वर का सबसे मशहूर प्लेस पंचलिंगेश्वर, भगवान शिव जी का यहाँ पे पहाड़ के ऊपर मंदिर है, और यहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए। पीछे पूरा नज़ारा है, बहुत हाइट में ऊपर में पहाड़ है, ऊपर में जाएंगे, और यहाँ का नेचुरल वाटरफॉल्स भी है यहाँ पे, आगे देखेंगे। यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया बना गया है, यहाँ पे बाइक रखने के लिए भी है, बस और सब कुछ है। अभी ये सारा दुकान धीरे धीरे खोल रहा है, अभी टाइम हो रहा है 9:15 बज रहा है। ये शायद कल बहुत भीड़ था, तो इतना भीड़ नहीं है, फिर भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। भाई टेक कॉल नगर थी, सुबह सुबह भाई साहब ने उठा दिया मुझे, तो फिर सुबह सुबह निकलना पड़ा। हेलो, ये बड़ा भाई उनका बाइक में आए हैं, और ये हमारा भाई साहब है। ये मंदिर लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूरी पर है बालेश्वर सिटी से। अभी मुझे यहाँ पे आने में कम से कम एक घंटा लगा, ऐसे तो 45 मिनट लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा नया था तो मुझे आने में यहाँ पे एक घंटा लगा। और यहाँ पे है ना, क्योंकि एक ही साथ में पांच लिंग है, इसलिए इसको पंचलिंगेश्वर कहते हैं। और इसका सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो भी पांच लिंग है वो वाटरफॉल का अंदर है, ये वाटरफॉल का अंदर पूजा पा रहे भगवान, तो एक यहाँ पे एक अलग सा फीलिंग्स है। और कैसे कि यहाँ पे आप आएंगे तो झरने का अंदर है जो लिंग, और उसका छूना, उसको वहाँ पे छू के जो पूजा करना, उसका फीलिंग बहुत अलग सा है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, वैसे यहाँ पे होटल्स और पांत निवास है रहने के लिए, और ज़्यादातर तो बंगाली टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने के लिए। अभी भी हम कुछ लोगों से मिल रहे हैं, अभी बहुत कितना में पूरा नीचे से पूरा आया, देखिए आप देख सकते हो पूरा नीचे पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा नीचे से आया हूँ, पूरा पहाड़ है, पूरा अच्छा दिख रहा है, पूरा नेचुरल है। गर्मी भी ठंडी तो लग, ठंड का मौसम में ठंड लग रहा है, मुझे लगता है गर्मी में भी इतना गर्मी नहीं लगता होगा, पूरा क्लाइमेट पूरा बढ़िया है। तो आप कौन से अब यहाँ मंदिर में आ चुके हैं, ये मंदिर है, और अभी पांच लिंग भी दिखा, पांच लिंग तो दिखेगा नहीं, वो पहाड़ का अंदर है, पत्थर का। यहाँ पे जो कि मन्नत मांगते हैं, अपना दान देना होगा, दान देखते हैं अपना इच्छा से। अब देख सकते इसका ये जो वाटरफॉल का अंदर में ये लिंग है, पांच लिंग है। यहाँ पे कोई इंसान जलाभिषेक नहीं दे रहा है, स्वयं प्रकृति यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे भगवान स्वयं प्रकृति से जलाभिषेक पा रहे हैं। वो अंकल बहुत अच्छे है ना, इसलिए परमिशन दिए हमको।
ठीक है। अब दोनों आए हैं ना भुवनेश्वर से, कैसा लगा मंदिर? मस्त, अच्छा है। अच्छा, लिंक लिंक ढूंढे क्या? वो भी मस्त है और थोड़ा अच्छा भी लगा इधर आके। और ये फिर नया जगह है, लेकिन हम लोग भी देखा था यूट्यूब पे, मतलब पहले से निकले भुवनेश्वर से। फिलहाल हम लोग निकले, कितना टाइम लग गया भुवनेश्वर? चार बाइक से आए क्या? बाइक से, बाइक से नहीं, गंजाम से। और भुवनेश्वर गंजाम से कहाँ से? बहरमपुर। मैं तो बहरमपुर से हूँ, है ना, बुद्ध कुल हमारा है। बुद्ध कुल, हाँ बुद्ध कुल जगह है, मस्त लगेगा वो भी। हाँ बुद्ध कुल गए, ठीक है फिर। देखिए आप जो बोल रहे थे ना, वो हम लोग देखिए थोड़ा सुबह मॉर्निंग आ गए ना, थोड़ा भीड़ नहीं था, अभी देखो कितना भीड़ है। आप और भी एक घंटा जाने के बाद ना यहाँ थोड़ा लंबा लाइन लग जाएगा आपको, पूरा दर्शन करने में ना आपको मिनिमम 2-3 घंटा लग जाएगा, इतना भीड़ होता है यहाँ पर। अभी तो पूजा हमारा खत्म हो गया, अभी हम जाएंगे इसके पास में एक जगन्नाथ मंदिर है, 7 किलोमीटर नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर, हम उस तरफ जाएंगे अभी। तो पूरा वाटरफॉल देख सकते हैं, नहाने के लिए भी बढ़िया है, और नहाने देख सकते हैं पूरा नेचुरल वाटर है, और ये सब पानी में नहाने से भी ना शरीर भी ठीक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियां मिला हुआ होता है। अभी मैं नीचे तो आ गया, पूरा पूजा भी हो गया, अभी बहुत सारा भीड़। अभी जो हम गए थे आपको दिखाया था वहाँ पे, तो अभी बहुत बड़ा भीड़ हो गया। अभी मतलब हम सुबह सुबह आए थे तो हमको सुबह सुबह आए तो दर्शन मिल गया था ना हमें, अभी बहुत बड़ा भीड़ हो गया। अभी और 15-20 दिन के जाने के बाद ना विंटर आ जाता है, और भी ज्यादा ही भीड़ होता है। नवंबर लास्ट, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत सारा भीड़ होता है। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? नीलगिरी। हाँ, यहाँ से आपको नजदीक है जो जगन्नाथ का एक मंदिर है, जगन्नाथ रानी का प्लेस है, वो फेमस है। नीलगिरी जो मंदिर है ना, जो रानी कुटी है, वो शायद एक मतलब एकदम क्या बोलते हैं, बहुत गंभीर में वो उनका बहुत इतिहास है। मतलब एक कोई दूसरा मंदिर है शायद, बोल रहे हैं कि जगन्नाथ का मंदिर का क्या आसपास जाने का वो रास्ता है, लेकिन हम लोग इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये हम लोग सुने हैं बचपन से। अच्छा, तो अभी आप उधर जा रहे हैं, तो अगला वाला वीडियो में वो वाला ब्लॉग आएगा, तो आप देखते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।